أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एस एस ई आर इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल में खुशाम दी जी. हाँ जी, हमारे पास एक स्टेपलाइजर है जी, सोनी 3000 वाट. तो इसको रिपेयर करना सीखेंगे जी. तो सबसे पहले इसको इसमें देखते हैं इसको क्या फॉल्ट है जी, इसको कैसे रिपेयर करना है. तो इसको अब हम प्लग इन करते हैं जी 220 वोल्ट में. तो फिर चेक करते हैं जी इसमें क्या प्रॉब्लम है और जी किस वजह से है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे जी. जी हमारे पास एक स्टेपलाइजर ट्यूनर है जी, इसको रेगुलेटर भी कहते हैं. स्टेपलाइजर की ट्यूनिंग करने के लिए वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है जी. तो अब हम स्टेपलाइजर का जो प्लग है जिस सॉफ्टवेयर में लगाते हैं जी, ये देखें इसका हमने लगा दिया जी. इसको करते हैं ऑन जी. ये देखें हमारे वोल्टेज आ गए जी. इस तरह घुमाएंगे जी एंटी क्लॉक वाइज, तो वोल्टेज कम होते जाएंगे. क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे. तो हम चेक करते हैं जी, मीटर को लगाते हैं और फिर देखते हैं जी हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं. स्टेपलाइजर को हमने पहले ही खोल लिया जी ताकि वक्त ज़्यादा ना हो. जी मेरे पास मीटर, इसको हमने 600 वोल्ट AC पे सेलेक्ट कर लिया जी. तो अब जो इसकी प्रॉब्लम है हम लगाते हैं जी स्टेपलाइजर में ताकि हमको पता चल सके जी इसमें क्या फॉल्ट है जी. तो ये हम प्रॉब्लम हैं जी जो स्टेपलाइजर में लगा रहे हैं जी, स्टेपलाइजर के सॉफ्ट में. ये देखें हमने लगा दी, हमारे पास वोल्टेज आ गए जी. ये देखें जी वोल्टेज इधर भी 147 है, एक इधर भी 147 है, सेम वोल्टेज है. वोल्टेज को बढ़ाते हैं जी हम. ये देखें वोल्टेज सेम ही है जी, जितने इनपुट में है उतने ही आउटपुट में है. नहीं देखें अभी तक भी सेम वोल्टेज हैं, जितने इनपुट में उतने आउटपुट में. ये देखें तो इसमें जो स्टेपलाइजर में फॉल्ट है वो जो है जो जितने वोल्टेज इनपुट में आ रहे हैं उतने ही आउटपुट दे रहा है, जो वोल्टेज को बढ़ा नहीं रहा. तो इसकी कोई भी रिले जो है वो वर्क नहीं कर रही. ये देखें जितने वोल्टेज इसमें आ रहे हैं इनपुट हो रहे हैं उतने ही आउट हो रहे हैं जी. तो इसको अब हम बंद करते हैं जी. तो इसका प्लग निकालते हैं बाहर. तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है. तो जी सबसे पहला स्टेप है जी कि हम अपने जो डिस्टेंस है अपना वेरिएबल लगी हुई हैं जी, वेरिएबल को चेक करेंगे घुमा कर कि हमारी लेज जो है वो काम कर रही है नहीं. ये इस रिले पे आवाज़ आ रही है जी, ये रिले काम कर रही है. इस वेरिएबल को घुमा कर देखेंगे. ये वेरिएबल रिले नहीं चल रही है, इस वेरिएबल पे भी रिले नहीं चल रही जी. तो जी हमारी रिले ही वर्क नहीं कर रही जी. सबसे पहले हम इन जो वेरिएबल हैं इनको चेंज करके देखेंगे जी. तो अभी हम सर्किट को बाहर निकालते हैं फिर इनको चेंज करते हैं. सर्किट हमने खोल लिया जी, इसको बाहर निकालते हैं जी. ऐसे देखें जी, देखें बाहर निकाल लिया जी. तो अब जो वेरिएबल हैं लगी हुई इनको रिप्लेस करेंगे जी, इनको बदलेंगे. तो सबसे पहले इन वेरिएबल को बाहर निकालते हैं जी. वेरिएबल को बाहर निकालेंगे फिर इनको जी नहीं लगाएंगे जी. ये देखें जी वेरिएबल हमने निकाली बाहर. तो इस वेरिएबल हाँ बहुत हमने कोशिश कर रहे हैं जी. तो अभी हम बारी बारी इन वेरिएबल को जो तीनों को जी निकाल लेते हैं बाहर. निकालने के बाद उनको हम रिप्लेस कर देंगे. हमने निकाल लिया वेरिएबल, ये वाले भी निकाल लेंगे जी.
वेरिएबल हमने तीन निकाल दिए हैं जी, तीन वेरिएबल जो वेरिएबल लगे हैं जी 3.3K की हैं जी। तो अब हम इसमें लगाएंगे 3K की वेरिएबल 3। तो अब हम निकालते हैं वेरिएबल को लगाते हैं। तो ये रही वेरिएबल्स, नई वेरिएबल हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये वेरिएबल हैं जी मेरे पास, इनको अब लगाते हैं जी। ये वेरिएबल हमने लगा दी जी, तो इस वेरिएबल को हम लगाते हैं। वेरिएबल का हमने लगा दिया जी, अब हम उसको सोल्डर करते हैं जी। हमने वेरिएबल को सोल्डर कर दिया जी, अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमने अभी और थोड़ा सा फॉल्ट देखा जी इस कार्ड में। ये देखो यहाँ पर जो कार्बन लगी हुई है, यहाँ से जो दो लाइनें हैं जी बर्न हो गई हैं जी इसकी। तो इस बर्न की वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है जी कार्ड में। तो अभी हम जो है इनको सोल्डर करते हैं जी। अब हम सोल्डर करते हैं जी लाइन को, जो डिस्कनेक्ट हो गई हैं लाइनें, दो टूट गई हैं, बर्न हो गई हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं जी, जॉइंट करते हैं दोनों को। तो फिर आपको दिखाते हैं जी कि क्या कंडीशन है। तार फालतू इसको आप कट कर दें जी। अब हम दूसरी को जॉइंट करते हैं जी, ये दूसरा जॉइंट भी हम लगा रहे हैं जी। इसको यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद इसको हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। तो इसको भी सोल्डर कर देंगे जी। सोल्डर हमने कर लिया जी। अब इसकी चेक करते हैं, हम तीनों को चेक करते हैं जी। पहले इसके लिए जो काम नहीं कर रही थी, अब चेक करते हैं। ये भी काम कर रही है जी। एक नंबर, दो नंबर भी काम कर रही है जी। हमारी पहले काम नहीं कर रही थी, इसके वोल्टेज आपको दिखा रहे हैं। पहले इसके वोल्टेज जितने वोल्टेज कम कर रहे हैं जी। हाँ भाई, बड़ा था।
अब हम वोल्टेज कम करेंगे जी। ला के करे नहीं है ये देखते हैं अभी वोल्टेज ला ले अपने तो साहब को दिखा दे अभी का बैठ मैं वो तो बैठ गया मैं वोल्टेज फिर जा के देखो कोई सिल्वर वाला सिल्वर वाला है चलिए ना दो साहब अरे सिल्वर दे लो मेरे सही कह रहा बहुत बहुत दे दो मेरे को कोई नहीं जीरो को है ने ने वो तो काम से क्या बात अस सब दे ना अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और अगली वीडियो तक ले जल्द हाफिज़।